नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल लव कुमार ब्लॉग्स में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ट्रैक पर हिट रहे हैं, अर्थात यह रेलवे ट्रैक है और हम आज जा रहे हैं रंगनिया मेला में। तो वहाँ पर सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर दो दिवसीय मेला का आयोजन होता है, तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। और लगभग घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन चियाकी है, तो वहाँ से हम लोग गाड़ी पकड़ेंगे। इसके बाद हम लोग मेले की ओर प्रस्थान करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ का नज़ारा चारों तरफ बहुत ही सुंदर और लाजवाब है। फाइनली दोस्तों, हम लोग ट्रेन पर बैठ चुके हैं और कुछ ही देरों में यह ट्रेन खुलने वाली है। तो देखिए, हमारे बीच विकास कुमार जो कि ये भी जा रहा है साथ में मेले को देखने। तो मेला कहाँ पर लगने वाला है? रंगनिया में लगता है, जो कि बहुत ही भव्य मेला का आयोजन होता है, जो कि सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर वहाँ पर आयोजन होता है मेले। देख रहे हैं जैसा कि यहाँ ट्रेन में, अभी ट्रेन में भीड़ भाड़ नहीं है, ट्रेन अभी पूरा खाली। तो देखिए यहाँ का नज़ारा, देखिए ट्रेन खुल चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यह चियाकी स्टेशन, जो कि बहुत ही पुराना स्टेशन है। ट्रेन काफ़ी अपनी रफ्तार में, यात्रीगण सभी लोग बैठ चुके हैं और कुछ यात्री जो कि उतर कर अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा, देखिए काफ़ी संख्या में, कुछ लोग का तो गाड़ी भी छूट गया है। देखिए यह औरंगा नदी है और यहाँ पर कार्य प्रारंभ है, पुल का निर्माण हो रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा, ये कोयल और औरंगा का संगम, जो कि केचकी का बहुत ही सुंदर यह जगह। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा जंगल, यहाँ का लोकेशन बहुत ही सुंदर है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। हम लोग मेला में पहुँच चुके हैं और जैसा कि देख रहे हैं, हमारे साथ हमारे गांव के हैं कुछ लोग आए हुए हैं। तो मेला बहुत ही सुंदर है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही काफ़ी मात्रा में यहाँ पर भीड़ है और चारों तरफ का नज़ारा आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही सुंदर लाजवाब यहाँ का दृश्य। देखिए यहाँ का नज़ारा, तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।